गाइस गाइस इस तरह से प्रोफेशनल थंबनेल बनाना चाहते हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया। क्लिक करने से पहले जो आपने इस थंबनेल को देखकर, टाइटल को देखकर वीडियो को ओपन किया, वीडियो को प्ले किया, तो सो आप भी इस तरह से थंबनेल बना सकते हो। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जो प्ले स्टोर से इजिली मिल जाएगी फ्री। अपने थंबनेल को प्रो बनाएं, मतलब कि अपने थंबनेल को प्रोफेशनल किस तरह बना सकता है एक यूट्यूबर। यूट्यूबर के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो एडिटिंग तो तकरीबन हर कोई कर लेता है, लेकिन फोटो एडिटिंग मतलब थंबनेल एडिटिंग किस तरह करते हैं अपने मोबाइल फोन से। सो सिंपली आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने से पहले उसको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर से इजिली मिल जाएगी फ्री। जल्दी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थंबनेल, प्रोफेशनल थंबनेल, इस तरह से प्रोफेशनल थंबनेल किस तरह एडिट कर सकते हैं, सो इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं नाउ। सो गाइस सिंपली आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर आपने थ्री डॉट पर जाना है। थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको इमेज का साइज, मतलब जो अपने थंबनेल का साइज होता है उसको कंट्रोल कर लेना है। इमेज साइज में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हमने 1920 और 1080 रख लेना है। 1080 रखने के बाद ओके कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने वो फोटो ले लेनी है जिसको हमने एडिट करना है, थंबनेल में यूज़ करना है। ये हमने फोटो है थंबनेल ले लिया है, इसमें ये फोटो ले लिया हमने, इसको सिंपली हमें छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर साइड पर जाना है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, बैकग्राउंड रिमूव। तो यहाँ पर जाने के बाद हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ पर अपना वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड मतलब के ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, आपने भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद हम अपने सिंपली यहाँ पर अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे जो हमने अपना बैकग्राउंड रखना है, इसको हमने एडिट कर देना है। यहाँ बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमने इसको एडिट करना है और इसका बैकग्राउंड हमने इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद हमने जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड लेना है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली हम प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमने वो बैकग्राउंड ले लेना है जिसको हमने बैकग्राउंड लगाना है अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पर। इसी वाला मैंने बैकग्राउंड लेना है और यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं अपने बैकग्राउंड पर यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर आप भी इस तरह से कर सकते हो इजीली। सो यहाँ पर टिक कर देना है और इसके बाद हमने इसको अपना फुल कर देना है, फुल साइज़ पर, फुल स्क्रीन पर कर देना है। और इसके बाद ये हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। इसके बाद हमने अपने मॉडल को, अपने ऑब्जेक्ट को अपने सामने लेकर आना है। उसके लिए सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसको उठाना है और यहाँ पर छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा मॉडल सामने आ चुका है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम आपको बताएंगे और आपने सिंपली इस तरह से आपने फॉलो करना है जिस तरह से मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा हूँ, इस तरह से आप फॉलो कर लेना और आप इजीली इस तरह से थंबनेल, प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो इजीली। सिंपली हमने इस पर टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के लिए टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसको बड़ा कर देना है। इसको लिखने के लिए हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको न्यू पर, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोफेशनल थंबनेल, हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल लिख देते हैं हम। हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल, फॉर एग्जांपल हमने हाउ को ऊपर रखना है, टू को नीचे रखना है, मतलब कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इसको सिंपली हमने एडिट कर देना है और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ हाउ रख लेना है। इस तरह से बड़ा करना है हमने इसको। बड़ा करने के बाद फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो इसको मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ हाउ। सो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको कलर एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। आप भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं सिंपली इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के लिए हमें कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने अपने हिसाब से यहाँ पर आप कर सकते हो। सो ये सिलेक्ट करने के लिए आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है। प्लस वाले आइकन पर जाकर पार्टी पर जाना है। पार्टी पर जाकर आप जिस तरह का भी कलर चूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर आप यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको ये एडजस्ट करना है। आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। इस तरह से आप एडजस्ट करने के बाद अपनी
टेक्स्ट में जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, यहाँ पर रेड ऊपर और जो इसके नीचे कलर आ रहा है मुझे नाम नहीं पता इसका, इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हो। आपको इसको यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर यह चेंज हो चुका है हाउ, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रखूँगा अपना, इसको मैंने रखना है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद हमने हाउ को छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद हमने यहाँ पर रख देना है और हाउ को छोटा करने के बाद हमने टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसको बड़ा करेंगे। यहाँ पर एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद हमने यहाँ पर हमने हाउ टू मेक यहाँ पर हमने लिख देना है और यहाँ इसको बढ़िया विषय में कर देना है। और यहाँ पर करने के बाद हमने इसको भी एडजस्ट कर लेना है, पर इस तरह से ये एडजस्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर इसको भी बड़ा कर देना है और इसको हमने यहाँ पर हम हाउ को और चेंज कर लेते हैं। हाउ को मतलब के ये फीका फीका सा लग रहा है, इसको 3D इफेक्ट भी दे सकते हो आप, जैसा आप चाहते हो इस कर सकते हो 3D इफेक्ट। राउट का इस पर क्लिक कर देना है। हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो सिंपली मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेना है और इसके बाद हमने 3D पे जाना है, इसको मैंने क्लिक कर देना है। इस पर जाने के बाद आप अपने हिसाब से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर जाने के बाद हमने इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर इसको रख देना है। और इस तरह से आप प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो इजीली। नोटा प्रीमियर प्रो, नोटा किसी पे फोटोशॉप कंप्यूटर वगैरह पे किसी पर ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली इस तरह से वीडियो आप थंबनेल बना सकते हो। और इसको हमने शैडो देने के लिए शैडो पे क्लिक कर देना और यहाँ पर इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसको हमने रेड देना है, रेड के लिए हमने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि रेड ग्लो भी करता है और जैसे दिल करता है आपको वैसे कर सकते हो आप। ब्लू कर, ब्लैक कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, वाइट कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको रख लूँगा और यहाँ पर हमने टिप ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने यहाँ पर मैक पे, यहाँ पर टू मैक पे चले जाना है। टू मैक पर हम इस तरह से ही हम इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए हम सिंपली हम कलर पे जाएंगे। इस कलर सबसे पहले हमको इसको चेंज करना है कलर। कलर आप रेड रख सकते हो या कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इसको टिक कर देता हूँ यहाँ पर। सो हमें इसका यहाँ पर कलर चेंज कर लेना है। कलर हम यहाँ पर कौन सा चेंज करेंगे आप देख सकते हो कि आप जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूँगा। सो सिंपली मैंने ये वाला कलर इसमें, सो आप भी इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है क्योंकि आप अपने माइंड से बनाना था। मैं जिस तरह अगर आप माइंड से बनाओगे था मैं तो वो बहुत ही इजी मतलब के और फास्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लेना है। यहाँ पर वाइट रख लेते हैं, वाइट अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, और ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको इसी तरह 3D इफेक्ट दे सकते हो। इसमें भी 3D इफेक्ट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसको भी रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, टिक ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद 3D इफेक्ट पे जा रहा हूँ, इसको भी इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको इसको भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है क्योंकि ये बिल्कुल रियल लगे मतलब के अच्छा लगता है कि थंबनेल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने इसको शेडो देना है। शेडो के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। शेडो यहाँ पर दे सकते हो आप, ब्लू दे सकते हो, देखना है किसी शुआ नहीं कर रही है, रेज नहीं कर रही है। आप इस तरह से इसको भी एडजस्ट कर सकते हो ईजिली। इसको इनेबल करने के बाद इसको इनेबल नहीं करते, यहाँ पर इसको रख लेते हैं हम। इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ पर रखने के बाद हमें ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमने यहाँ पर सिंपली आप प्रोफेशनल लिखना है। उसके बाद भी ये हमने अभी छोड़ना नहीं है, इसको भी हम बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले इससे पहले हमने इसको लॉक कर देना है। ये बार बार ये मतलब कि ये हिलेगा हमसे अपना ऑब्जेक्ट, इसको लॉक कर देना है। यहाँ पर इसको लॉक कर सकते हो। मैक को भी लॉक कर देना है, हाउ को भी लॉक कर देना है और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को भी लॉक कर देना है। उसके बाद हमने प्रोफेशन लिखना है। प्रोफेशन लिखने के लिए यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने इसके बाद हमने एडिट पर जाना है। एडिट पर हमने इसको प्रोफेशनल लिखना, प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल लिखने के बाद हमने यहाँ पर इसको भी बड़ा कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको भी हमने फुल पर कर देना है, फुल पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमने फ्रंट में जाना है, फ्रंट में इसको फ्रंट पर हमने क्लिक करने के बाद हम इसको फ्रंट चेंज कर देते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमने प्रोफेशनल, आप देख सकते हो तकरीबन हमारा थंबनेल बिल्कुल ही प्रोफेशनल लग रहा है इसके टाइम में। और इसको भी हमने अपने हिसाब से और ज़्यादा एडजस्ट करना है, अभी तो ये स्टार्टिंग है, इसके बाद भी हमने एडजस्ट करना है इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका भी कलर चेंज कर लेना है और इसको भी 3D इफेक्ट देना है। और इसके बाद हमें इसको बार भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें क्लिक करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम इसको ब्लू भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह करते हैं। सिंपली हमें इसको अपने हिसाब से कलर दे देना है और इसको यहाँ पर हमने अपने हिसाब से कलर दे देना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कलर बना सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से आप अपने हिसाब से भी कलर बना सकते हो। यहाँ पर इस तरह से कलर बना सकते हो। सिंपली मैं ये मुझे तकरीबन बेस्ट लगा, मैं इसको एडजस्ट कर लेना है इसको ब्लैक पर यहाँ पर मैंने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें इसको कलर चेंज करना है, कलर पर जाना है, कलर पर कलर किधर गया, यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने इसको भी एडजस्ट कर लेना है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर हम इसको रेड दे देते हैं, रेड मुझे तकरीबन सही लगता है, लेकिन रेड दे देते हैं। रेड के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर हमने ओके कर देना है और इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने क्या करना है, ओके करने के बाद हमने इसको मतलब कि हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे चले जाना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हमने अपने पीछे, इसको प्रोफेशन को हमने अपने ऑब्जेक्ट के पीछे लेकर जाना है। यहाँ पर हमें छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया है, मतलब कि अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है मतलब कि। और हम अपने ऑब्जेक्ट को भी थोड़ी सी यानी राइट साइड पर कर देते हैं, इसको लेफ्ट साइड पर अपने ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर हमने इसको अनलॉक करना है, अनलॉक करने के बाद इसको क्लिक करना है और इसके यहाँ पर उठाकर हमने यहाँ पर रख देना है, क्योंकि इसको उठाने का मकसद ये है कि हम इसको और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर इसको हमने प्रोफेशनल को और बड़ा कर देना है। प्रोफेशनल को बड़ा करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्रोफेशनल यहाँ पर दुबक रहा है, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है अपने। और यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है और इसके बाद हमने मेक पर क्लिक कर देना है, मेक को अनलॉक करना है, सबको अनलॉक कर देना है, सबको नहीं, टेक्स्ट को अनलॉक करना है। सिंपली आपने यहाँ पर हाव को भी अनलॉक कर देना है और यहाँ पर इसको भी एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। और यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि अपना थंबनेल बहुत ही प्रोफेशनल लगने वाला है। और इसको भी हमने इसके बाद इसको भी हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पर पीला भी रख सकते हो, वाइट को भी रख सकते हो, जो आपने दिल करता है वो रख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको नहीं छेड़ता, इसको रहने देते हैं। इसके बाद हमने मैक पे चले जाना है, मैक को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पर आप कलर देख सकते हो, कलर चूज़ कर सकते हो, कलर कौन सा यूज़ करना है आपने, कौन सा कलर यूज़ नहीं करना, आप जो हिसाब जो कलर यूज़ करना चाहते हो कलर यूज़ कर सकते हो इजीली। अपनी भी इसको भी हमने नहीं छेड़ना है, इसको भी इनेबल कर देना है, इसको कट ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर ये हमारा तकरीबन ये इसको अनलॉक कर देना है, सबको लॉक कर देना है हर चीज़ को, मतलब कि सब टैक्स वगैरह को और अपने बैकग्राउंड वगैरह को लॉक कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये बिल्कुल लॉक हो चुका है। और ये आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे ये आपको नहीं हिलने वाला, इसको भी हमें सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर जाना है और शेडो में इसको शेडो देना है। शेडो देने के बाद हमें ब्लैक शेडो देते हैं इसको, ब्लैक शेडो यहाँ पर इस तरह से आपने ब्लैक शेडो दे देनी है और यहाँ पर ओके कर देना है। इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो इजीली, आप यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। सो यहाँ पर इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर ओके कर देना है सिंपली, हमने यहाँ पर ओके करने के बाद हमने यहाँ पर देख सकते हो आप तकरीबन हमारा थंबनेल रेडी हो चुका है। और इसके बाद हमने कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर ग्रेडिंग के लिए हमें एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके बाद हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, इसको मेक पर भी क्लिक कर देते हैं, मेक को लॉक कर देते हैं, इसको प्रोफेशनल को लॉक कर देते हैं। मेक को हाउ को हमने एडजस्ट कर लेना है, हाउ को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पर चले जाना है।
यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर अपने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कर लो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, जो आप दिल करे वो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़रूरी नहीं है इसको एडजस्ट करना, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए हल्का फुल्का मैं इसको कर लेता हूँ, और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसको ऑनेबल कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अगर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, इजीली लग जाता है। और इसको हमने इसको थोड़ा सा स्टाइली बनाना है, स्टाइली के लिए हमने इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है स्टाइली को। अगर आप स्टाइली नहीं देना चाहते तो यहाँ पर इसको अनेबल, इसको अनेबल करने के बाद इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब हमारा थंबनेल तकरीबन रेडी हो चुका है। मेक को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, मेक हमें बिल्कुल ही रफ लग रहा है, इसको हमने इसको लो करना है, और मेक हमारे टू मेक को हमने अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद हमने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर मुझे इसको 3D इफेक्ट को यहाँ पर हटा देना है। 3D इफेक्ट पर ये थोड़ा सा रफ एंड टफ लग रहा है, इसको 3D इफेक्ट को हटा देना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने यहाँ पर इसको हम ब्लैक बार भी दे, और इसके बाद हम इसको स्टाइली भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम स्टाइली दे देते हैं इसको, यहाँ पर हाउ टू मेक प्रोफेशन, यहाँ पर हमने स्टाइली देने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमने इसको और एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के लिए हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड को क्लिक कर देना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद हम इसको ब्लू भी दे सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं, जो आपका दिल करे वो दे सकते हैं, जो आप को चाहिए वो कर सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो ना देना, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है वो। इसके बाद हमने यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लग रहा तो इसको मैं इसके इसी तरह रहने देना, तो ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने यहाँ पर ओके करने के बाद आप देख सकते हो हाउ टू मेक प्रोफेशनल, और यहाँ पर हमने एक और टैग्स लगाना है कि यहाँ पर इन मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर सिंपली हमने इस पर टैक्स पे क्लिक करना है। टैक्स पे क्लिक करने के बाद आता हमने इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद हमें इसको इन मोबाइल फ़ोन कर देना है, मोबाइल MOBL मोबाइल फ़ोन यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको बड़ा कर देना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर हम इसको लंबा कर देते हैं, यहाँ पर इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर आप इसको भी एडजस्ट कर लेना है, और इसको हमने फ़ंड देना है। फ़ंड देने के लिए यहाँ पर हमने सिंपली इसको फ़ंड दे देना है, देना है इसके फ़ंड दे देते हैं इसको इन मोबाइल फ़ोन कर देना है। इसको मोबाइल फ़ोन कर देने के बाद हमने इसको फ़ंड देने के बाद हम इसको छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ हमने इसको फिट कर देना है। फिट करने के लिए हम इसको सिंपली यहाँ पर हमने स्टाइली वगैरह दे देते हैं, इसको स्टाइली वगैरह, और यहाँ पर हमने इसको ब्लू कलर दे दिया है। ब्लू करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड के लिए आपने ये इजी हो जाएगा, बैकग्राउंड हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड को, और यहाँ पर आप बैकग्राउंड को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। और यहाँ पर मैंने इसको बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया है, और बैकग्राउंड को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड को एडजस्ट करने यहाँ पर इसको हम छोटा कर देते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर्व को मोड़ देते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा थंबनेल तकरीबन रेडी हो चुका है। उसके बाद हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे। कलर ग्रेडिंग के बाद हम इसको सब कुछ आप देख सकते हो कि बड़ा ही ईजी हो चुका है। सो इन मोबाइल फ़ोन हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल तो रह गया यार, हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल यहाँ पर लिखना था, तो इसको हमने सिंपली यहाँ पर सब कुछ छोटा कर देना है। छोटा करने के लिए हमको सब को अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के लिए यहाँ पर हाउ को इसको रहने देते हैं प्रोफेशनल को, और यहाँ पर हमने इसको हाउ को पहले छोटा करना है। हाउ को छोटा करने के लिए हमने सिंपली इसको यहाँ पर छोटा कर देना है। ये पता नहीं क्या है, क्या इशू बन जाता है इसका। हाउ को रहने देते हैं यहाँ पर ही, हाँ ये बिल्कुल यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लेना हाउ को, और मेक को हमने छोटा कर देना है हाउ मेक, और इसके बाद हमें इसको थंबनेल भी इसका सेट कर देना है। प्रोफेशनल को हमने छोटा कर देना है इसके साथ साथ, प्रोफेशनल को हमने छोटा कर दिया, और इसके बाद हमने थंबनेल यूज़ करना है। थंबनेल यहाँ पर लिखने के लिए हमने थंबनेल यहाँ पर इसको बड़ा कर सकते हो, आप बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर उड़ा सकते हो इसको। यहाँ पर करने के बाद आप इसको अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हो, लेकिन हमने इसको यहाँ पर ही रहने देना, और यहाँ पर रहने के बाद हमने इसको
यहाँ पर एडजस्ट करना है अपने हिसाब से, आप भी एडजस्ट कर सकते हो इजीली। और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर नहीं करना, हमने ओके कर देना है। आपने हर एक चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट करके चेक कर सकते हो और एक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हो। यहाँ पर आप, हमने यहाँ पर टेक्स्ट देना है, एडिट करना है, एडिट ओके करना है, इसको नहीं छेड़ना हमने, और एक और टेक्स्ट देना हमने, यहाँ पर क्लिक करना है टेक्स्ट पे और एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर थंबनेल लिखना है, थंबनेल यहाँ पर लिखने के बाद हमने इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद हमने यहाँ पर उठाना है, यहाँ पर उसको बड़ा कर देना है, फुल स्क्रीन नहीं करना है। यहाँ पर आपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और इसको टेक्स्ट दे देना है। टेक्स्ट के लिए आपने सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट पर जाना है, टेक्स्ट नहीं फंटा दे देना है। फंटा पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फंट क्लिक दे देना है, इसको फंट के जो भी आप फंट देना चाहते हो ओके कर देना है। अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप इजीली, और मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। सो सिंपली यहाँ पर मैं अपने फंट दे देता हूँ, फंट को यहाँ पर मैं छोटा कर लेता हूँ हल्का सा, कि यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद हमें इसको बैकग्राउंड कर लेना है। बैकग्राउंड करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के लिए हमने यहाँ पर तैयार थंबनेल यहाँ पर हमारा था, तो इसको ऑब्जेक्ट के बीच में ले जाना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड हो चुका है इसका, और इसको भी अनलॉक कर देते हैं, इन मोबाइल को तो रहने देते हैं, टू मैक को भी, हाउ को भी अनलॉक कर देते हैं, और प्रोफेशनल को भी अनलॉक कर देते हैं। और यहाँ पर करने के बाद हमने थंबनेल को इसको और एडिट करना है, और एडिट करने के लिए हम छोटा कर देना है, क्योंकि हमारा एल दुबक रहा है, एल को हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। सो गाइज, इसके बाद हमने सिंपली इसको बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड के लिए हमने सिंपली यहाँ पर जाना है, बैकग्राउंड किधर गया, बैकग्राउंड इसको हमने बैकग्राउंड दे देना है, बैकग्राउंड को इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आप, इनेबल करने के बाद आप जो भी आप बैकग्राउंड देना चाहते हो बैकग्राउंड दे सकते हो ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन से। यहाँ पर मैं अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ, कौन सा बैकग्राउंड देना है मैंने इसको, बैकग्राउंड किधर गया, बैकग्राउंड यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड अपने को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कौन सा देना है मैंने। सो यहाँ पर मैं इसको वाइट को ही दे देता हूँ, यहाँ पर आप ओके कर देना। ओके करने के लिए आपको सिंपली ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इसको भी एडजस्ट करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देना है। यहाँ पर आप किधर गया वो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड करने के बाद आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर आप इसको गोल कर लेना है, गोल करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर करने के बाद आप छोटा कर सकते हो इसको ईजीली, और यहाँ पर आप इसको भी छोटा कर सकते हो। यहाँ पर हो चुका है हमारा, ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने इसको कलर चेंज करना है, हमने थंबनेल का थंबनेल कलर के चेंज करने के लिए हमें कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद हमने यहाँ पर अपने हिसाब से कलर को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद हम वाइट को ही रखते हैं, वाइट हमें अच्छा लग रहा है, तो वाइट हमें इसको वाइट ही रहने देते हैं। आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर लेते हैं लेना है। इसको हमने यहाँ पर क्लिक कर देना, ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने शेडो दे देते हैं, ब्लैक शेडो दे देते हैं, तो उसके ऊपर वाले प्रोफेशनल के साथ मिक्स हो जाएगा ब्लैक शेडो की वजह से। तो ब्लैक शेडो हम यहाँ पर दे देते हैं, ये तो गलत हो गया है, ब्लैक शेडो नहीं थी, ओके कर देना है। ब्लैक शेडो देना है, ब्लैक शेडो के लिए इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद हम इसको ब्लैक शेडो दे देते हैं और ये ऊपर वाले थंबनेल के साथ मिक्स हो जाएगा। इसको हमने ब्लैक शेडो दे देते हैं यहाँ पर, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको शुरू कर देना है, इसको वाइट का कम कर देना है, और यहाँ पर इस तरह से अपने एडजस्ट कर लेना है इसको, और यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है, और आपने इस तरह से इसको ब्लैक शेडो दे देनी है, और ये एक प्रोफेशनल थंबनेल बन जाएगा, बिल्कुल ही रियल और बड़ा ही ईजी। और इसको हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारा थंबनेल बिल्कुल सही तो बना है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू है, इसको और एडजस्ट कर लेते हैं। हमने इसको ये दिया था, इसको हमने इनेबल कर लिया, ओके ओके। शेडो दे देते हैं, शेडो के लिए बिल्कुल और अलहदा से शेडो आप दे सकते हो ईज़िली, कोई भी शेडो दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपने शेडो के लिए यहाँ पर ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या वाइट ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हमने कम कर देना है यहाँ पर इसको, और इसको यहाँ पर रहने देते हैं, और इसको हमने ना यहाँ पर जाने के बाद और कर देते हैं इसको यहाँ पर, यहाँ पर से ओके हो गया। और इसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली ये रफ एंड टफ लग रहा है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना आपने,
और यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको कलर चेंज करना है, कलर चेंज करने की उबर कर आए मतलब कि अच्छा लगे, तो इसको भी आप ब्लू भी रख सकते हो, वाइट भी रख सकते हो, ब्लैक भी रख सकते हो, जिस आप दिल करें वैसे रख सकते हो, रेड वाइट रेड, और इसको भी आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल थंबनेल इन मोबाइल फ़ोन, सो यहाँ पर ओके कर देना है। ओके कर सकते हो। यहाँ पर आप ओके करने के बाद आपके यहाँ पर साइड बार नज़र आ रहे हैं, इसको भी एडजस्ट कर लेना है आपने। ब्लैक में बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड के जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा कम कर देता हूँ हल्का सा, और इसको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि प्रोफेशनल बन चुका है। लेकिन इन मोबाइल फ़ोन इसको भी बड़ा करना है। इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल इन मोबाइल फ़ोन। सो यहाँ पर इस तरह से थंबनेल बना सकते हो आप इजीली। और इसकी कलर ग्रेडिंग के लिए हम इसको अपने ऑब्जेक्ट को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। बाकी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड रिमूव किया था, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है इजीली। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके लिए हमने यहाँ पर सिंपली अपने यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा थंबनेल बन चुका है, और हमने सेव करने के लिए शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद हम देख सकते हैं आपने अपने यहाँ पर चेक कर लेना है 1920 और 1080 ही रखना है। इससे रिजल्ट में और इसमें कोई पिक्सल वगैरह नहीं पड़ते। सेव टू गैलरी कर देना है। गैलरी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेव हो चुका हमारा। और इसके बाद सिंपली आपने लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है। लाइट रूम एप्लीकेशन को हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको थंबनेल को जो हमने एडिट करना है, इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है, इसको सिंपली ले लेते हैं। और सिंपली हमने लाइट पर जाना है। लाइट पर हम जाकर इसको एडजस्ट करना है। हमने लाइट को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। आपने लाइट को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम इसको कम कर देते हैं हल्का सा। हल्का सा कम करने के बाद हम यहाँ पर इसकी कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं। कंट्रास्ट को हमने यहाँ पर रखना है, और हाईलाइट को हमने इसको भी एडजस्ट कर लेना है। हाईलाइट को हल्का सा बढ़ा देना है। हाईलाइट को बढ़ाने के बाद शेडो को कम कर देना है। शेडो को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगता है। मुझे कम कर देना है, हल्का इसको बढ़ा देना है, 4 कर देना है बल्कि। और 4 करने के बाद हमने वाइट्स को बढ़ा देना है। वाइट्स को मेरा फेवरेट है, इसको हमने वाइट्स को बढ़ा देना है। और इसको ब्लैक्स को हमने इसको भी एडजस्ट कर लेना है। ब्लैक्स को हमने हल्का से कम कर देना है। इसको कम करने के बाद हमने कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद हमने को टेम्परेचर को हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। आप यहाँ पर टेम्प को यहाँ पर रख सकते हो जहाँ पर आपका दिल करे, मतलब कि अच्छा लगे यहाँ पर आपको। और इसके बाद टिंट को आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो। इसको हमने कम कर देना है यहाँ पर। और इसके बाद हमने वाइब्रेशन को भी कंट्रोल कर लेना है। वाइब्रेशन को यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं वाइब्रेशन को बढ़ा देता हूँ। वाइब्रेशन को बढ़ाने के बाद हम इसको सैचुरेशन को भी कंट्रोल लेते हैं। सैचुरेशन को हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसको भी बढ़ा देते हैं। सैचुरेशन को 20 कर देते हैं। इसके बाद हमने इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद हमने टेक्स्चर को कंट्रोल करना है। टेक्स्चर के लिए हमने यहाँ पर टेक्स्चर को हमने इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ये हमने यहाँ पर देख लेना है टेक्स्चर को, जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। टेक्स्चर को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको टेक्स्चर जो यहाँ पर रख देता हूँ 40 रख देता हूँ, या 50 रख देता हूँ, या 26 रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद हमने यहाँ पर क्लियरिटी भी जाना है। क्लियरिटी भी जाने के बाद हम यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियरिटी को हमने बढ़ा देना है। क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद हम अब देख सकते हो यहाँ पर क्लियरिटी। और यहाँ पर हमने डिज़ाइन को भी हमने अपने हिसाब से इसको बढ़ा देना है। इसको बढ़ाने के बाद विग्निटी को भी अपने हिसाब से इसको कम कर देना है। विग्निटी को हमने स्पेशली कम कर देना है, 9 रख देना है। 9 या 10 रख सकते हो आप, 9 या 10 रख सकते हो। मिडी पैड को भी अपने हिसाब से इसको जूम कर लेना है, क्या चीज़ होती है इससे। सो आप इस तरह से आपने ये कर लेना है। सो यहाँ पर मैं इसको भी हल्का सा बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी थंबनेल, और यहाँ पर मैं आपको फ़र्क दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बिफ़ोर आफ्टर, ये देख सकते हो कि आप कितना फ़र्क हो चुका है इसमें। इस तरह से आप लाइट रूम एप्लीकेशन में
कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ओनली तस्वीर ओनली फोटोज और थंबनेल्स वगैरह का एडिटिंग कर सकते हो, मतलब कि कलर ग्रेडिंग कर सकते हो इस एप्लीकेशन में, यह देख सकते हो आप। और यहाँ पर हमने सिंपली इसको सेव कर लेना। अगर आप और भी कुछ चाहते हो, मतलब कि इसमें डिटेलिंग चाहते हो, डिटेल में अपने डिटेल में जाने के बाद अपने शार्पनिंग को अपने इसको बढ़ा देना है। इसको यहाँ पर हम इसको रख देते हैं 50-52 और इसको बाद है हमने इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आपने। और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको हल्का से बढ़ा दूंगा 1.1 इसको बढ़ा देना आपने। ओके हो गया। डिटेल्स को भी आपने हल्का से बढ़ा देना है, डिटेलिंग को आपने यहाँ पर रख लेना है। और यहाँ पर देख सकते हो आप हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। और किसी चीज़ को आप नहीं छेड़ना, अगर छेड़ना चाहते हो तो छेड़ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हो कि हमारा थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमें सिंपली यहाँ पर चेक कर सकते हो बिफोर, ये बिफोर था और ये आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर। आप देख सकते हो कितना फ़र्क और कितना डिफरेंस हो चुका है। आपने इसको सेव करने के लिए सिंपली शेयर पे जाना है, शेयर पे जाने के लिए आपको सिंपली सेव टू डिवाइस कर देना और ये आपका थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आपको ये अपनी वीडियोस पर अपलोड करने के बाद यूज़ कर सकते हो, ओके कर देना। और यहाँ पर आप इस तरह से भी अपने फोटोज में थंबनेल्स को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो इजीली। गाइस परफेक्शन थंबनेल बनाना तो सीख चुके हैं, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बिगैर सब्सक्राइब किए नहीं जाना। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बस और कुछ नहीं। अब तक इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।